Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells Mansur Palanpur. Today I am here for our lesson number 6 of Exploring Patriotism of class 7. Okay, अब जो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर और लास्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग पेट्रोइज्म. अब इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है, एक इमेज दी गई है. इमेज के अंदर क्या है, ट्री है आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग फेसेस देखने मिल रहे हैं होंगे. आपको जो अलग अलग फेसेस आपको यहाँ पे गांधी जी है, अब बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू, अलग अलग जो हमारे लीडर्स है वो बहुत सारों की फोटोज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे. अब कोई फोटोज आप अच्छे से देख लो, आपको इसमें कितने फेसेस दिख रहे हैं वो भी जरा नोटिस कर लो. ओके, अब हाउ मेनी फेसेस डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ. वो क्या होमवर्क है, आपको इस इमेज को पूरा अच्छे से देखना है. इसके अंदर कितने इमेज, टोटल आपको कितने इमेजेस दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. कैन यू आइडेंटिफाई देम. अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, ये सारे इमेज कि किस किस के इमेज है उन सब के नाम भी आपको यहाँ पे लिखने हैं. जिस जिस की इमेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन सब की इमेजों के नाम आपको यहाँ पे लिखने है. ओके स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्टिविटी जो आपको घर से होमवर्क में करनी है. अब जो हमारी जो मेन है, जो एक्टिविटी नंबर 2 जो हमारे जो एक्सप्लोरिंग पेट्रोलिज्म के ऊपर जो हमारा चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ महात्मा. अब महात्मा और स्टूडेंट्स आपको फोटो देख के पता ही चल गया होगा फोटो किसका है, किसका फोटो है, महात्मा गांधी का फोटो है. ये एक्टिविटी 2 हमारी इसी चैप्टर के ऊपर बेस है, जो महात्मा गांधी है उन्हीं से रिलेटेड है पूरा चैप्टर. अब चैप्टर क्या है हम देख लेते हैं. गांधी जी बिकेम द एसोसिएट विद द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका सिंस दे अराइवल इन द 1893. अब 1893 में वो साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया में आए थे स्टूडेंट्स. अब गांधी जी बिकम एसोसिएट विद द सोशल लाइफ, हमारे जो इंडियंस की जो सोशल लाइफ थी उससे एसोसिएट हो गए साउथ अफ्रीका से आने के बाद. और वो कौन से ईयर में आए थे, 1893 में आए थे. कैन एवरीवन एक्ट अगेंस्ट ओन वन एंड ओन नेचर और एस्केपिंग दी गेम ऑफ प्ले थिंग्स इन द हैंड और ऑफ फेट. अब क्या कोई, कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट द ओन नेचर ऑफ एस्केप, क्या कोई अपने नेचर के एस्केप के अलग जो थिंग जो वहां पे वो थे वो और जो यहाँ पे आए वो उसके अलग रीते वो यहाँ पे क्या रह सकते थे हैं, जो यहाँ पे सारी सिचुएशन चल रही थी जो ब्रिटिश और इंडियन के बीच में जो सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे महात्मा गांधी यहाँ पे थे, क्या वो सिचुएशन वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे वो थिंग्स थी. गांधी जी हैड गॉन टू द अफ्रीका विद द प्रोफेशनल मोटिव्स. अब जो गांधी जी थे वो अफ्रीका के गए थे हमारे उसके एक प्रोफेशनल जो उनका मोटिव था उसके लिए गए थे. बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ द डेस्टिनी हिज 21 ईयर स्टे इन साउथ अफ्रीका बिकम द पेट्रियट्स दैट इक्विफाइड हिम विद द प्रिजर्व्स एंड द मोरल स्ट्रेंथ टू एंटीथेट्स द सोसाइटी फ्रॉम द फोर्स ऑफ द अनट्रूथ एंड द वायलेंस विद द स्पिरिचुअल एंटीडोट ऑफ द ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस. अब जो स्टूडेंट्स वो साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका उन्होंने 21 ईयर्स वो किस लिए गए थे, जो एक तो वहां पे जो उन्होंने ये सारे कोर्सेज करे थे नॉन वायलेंस के ऊपर एंड द फोर्स ऑफ ट्रूथ. उनको बोलते थे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ. उनका एक्सपेरिमेंट जो भी उनकी लाइफ के साथ हुआ है वो क्या हुआ है, जो उनकी मोरल स्ट्रेंथ थी वो क्या था, उनकी एक सच्चाई थी, वो कभी भी झूठ बोलते थे नहीं. एक इनका जो वहां पे वो क्या स्पिरिचुअल एंटीडोट ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस ये सारे कोर्सेज का वो 21 इयर्स में वो वहां से सीख के आए थे. ओके, और ये सारी चीजें जो हमारे देश को जो आजाद होने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो बहुत ही काम आई थी, जो ब्रिटिश से हमारे देश को आजाद किया था महात्मा गांधी ने. ओके, इट वॉज अ लाइफ ऑफ अ प्योर डेडिकेशन. और जो उनकी ये सारी जो चीजें थी वो क्या थी, उनकी लाइफ की एक प्योर डेडिकेशन थी जो अपने देश के लिए वो कर रहे थे. फॉर नॉट वंस इन अ 21 ईयर डिड ही नेवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन असेटिंग हिमसेल्फ एज द ऑथर ऑफ इवेंट्स. वो 21 ईयर्स में स्टूडेंट्स ऐसा एक बार के दो बार नहीं, सो बहुत बार उनके साथ हुआ है कि ये जो वहां पर नॉन वायलेंस
जो ट्रूथ वहां पे था वो उन चीजों के लिए भी वहां पे भी लड़ते थे, और साथ ही साथ जब हमारे इंडिया में आए थे तब भी वो इन सारे चीजों के लिए जो देश के लिए वो लड़ते थे। ओके सो फ्रेंड्स, ये था हमारे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या करा है और उनके बारे में थोड़ी सी चीजें हमें बताई गई थी। अब इसी से रिलेटेड जो हमारी आगे की जो मेन स्टोरी है वो है, वो क्या है, अनवेलकम विजिटर्स। यहाँ पे क्या स्टोरी में अनवेलकम विजिटर्स इसका नाम है, एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और ये कहां से ली गई है, जो उनकी बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये स्टोरी इसमें से ली गई है। अब स्टोरी क्या थी वो हम देख लेते हैं। द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड द डरबन। अब जो पोर्ट था नाताल का उसे हम क्या बोलते थे, डरबन बोलते थे। एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल, और उसे क्या बोलते थे, डरबन तो बोलते थे साथ में पोर्ट नाताल भी बोलते थे। द अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी। अब जो अब्दुल्ला सेठ थे वो वहां पे आए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। एज द शिप रीच द क्वेरी एंड द पीपल ऑफ द नाटल केम ऑन द बोट टू मीट देयर फ्रेंड्स। अब जैसे ही वो शिप जो कुएं पे पहुंचते में जो उनकी वहां पे जैसे अपने ट्रेन का जब आती है तो ट्रेन का अपने को जो रुकती है क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, और जो शिप जो जहां पे पहुंचते इसे क्या बोलते हैं, कुएं बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही वहां पे पहुंची तो जो नाताल के जो पीपल्स थे वो अपने पोर्ट पे आए थे, जो वहां पे दूसरे लोग आए थे उनको मिलने के लिए। आई रियलाइज दैट द इंडियंस वर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर। और उन्हें क्या लगता था महात्मा गांधी को कि वहां पे जो इंडियंस अगर जाएगा तो उन्हें रिस्पेक्ट किया जाएगा नहीं। आई नोटिस अ काइंड ऑफ द रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल हु न्यू द अब्दुल्ला सेठ। अब उनके पता उनके उन्होंने क्या नोटिस करा, उन्हें ये नोटिस करा कि जो लोग कि वहां पे आए थे वो अब्दुल्ला सेठ के ऊपर के रूडनेस कि जो अपना बोलते हैं ना एकदम के नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं वो सब एकदम अपने जो अपने एक लैंग्वेज अपने को दिमाग में पता चल जाता है कि कोई लोग अगर आपसे अच्छा नहीं बात कर रहे तो उस तरीके की रूडनेस आपको पता चल जाती है। तो उसी तरीके से जो महात्मा गांधी थे उन्हें बेटा पता चल गया था, इट हर्ट्स मी, और उन्हें बहुत दुख हुआ था। ही टूक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज। अब वो क्या उसे घर पे लेके गए और साथ साथ उन्होंने जो अपना उनका खुद का एक रूम था उसके पास में उन्होंने अपना रूम दिया। द अब्दुल्ला सेठ लिटरेसी लेवल वॉज लो। अब जो अब्दुल्ला सेठ उनकी लिटरेसी लेवल कैसी थी, बहुत ही कम थी, बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस। और जो उनका बट उनका जो नॉलेज था जो एक्सपीरियंस करके वो बहुत ही अच्छा, उनका जो क्या लिटरेसी लेवल लो थी बेटा, जो लिटरेसी लेवल का बोल गया उनकी लो थी, बट जो उनका एक्सपीरियंस था जो नॉलेज के लेकर जो उन्हें एक्सपीरियंस करा वो क्या था, एकदम इमेंस, वो बहुत ही अच्छा था। ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड वॉज कॉन्सिक्यूशंस ऑफ इट। और उनके पास जो इंटेलेक्चुअल की जो बातें थी वो बहुत ही अच्छी शार्पली बहुत अच्छे से करते थे, और जो कॉन्सिक्यूशंस होते थे जो उसका जो कुछ भी बात करी उसका जो कॉन्सिक्यूशंस आगे जो निकलेंगे वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते थे। ही हैड लर्न सफिशियंट इंग्लिश फॉर कन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस। अब जो उनकी जो स्पिंग जो अब्दुल्ला सेठ की जो इंग्लिश थी जो कन्वर्सेशन के लिए वो उनके लिए बहुत अच्छी थी, उन्हें सीख रखी थी, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते थे, अगर किसी से बात करनी हो तो बहुत अच्छे से करते थे। अब यहाँ पे देख रहा होगा गांधी जी और अब्दुल्ला सेठ की एक इमेज दी गई है ऐसा। ओके अब ही मैनेज ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश। अब वो सारा का सारा अपना वर्क वो किस तरीके से उस टाइप काइंड ऑफ इंग्लिश में ही मैनेज करते हैं। He was proud of Islam, और जो अब्दुल्ला सेठ थे वो अपने जो इस्लाम से बहुत ही प्राउड फील करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे बेटा गीता होती है जो भगवत गीता है, वहां पे जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी क्या होती है, उनके इस्लाम होती है। He was the founder of discussing of philosophy, और जो वो किसकी डिस्कशन उनको जो फिलोसॉफी थी तो उसमें डिस्कशन बहुत अच्छा लगता था करने को। ऑन द सेकंड और द थर्ड डे ही टूक मी टू सी द पोर्ट ऑफ डरबन। और दूसरे या तीसरे दिन वो कहां पे लेके गए उन्हें, जो डरबन का जो पोर्ट था उसे वो दिखाने लेके गए। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट। अब जो वहां पे जो लॉयर थे उनके पास में ही उनको वहां पे बिठा दिया। द मैजिस्ट्रेट कीप लुकिंग एट मी, और जो वहां पे जो मैजिस्ट्रेट थे वो उन्हें देखने लगे। ही आस्क मी टू टेक ऑफ माई टर्बन, उन्होंने क्या बोला
उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने कह बोला कि आप यहाँ पे आए हो, आप अपनी यहाँ पे टर्बन निकाल दो। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टर्बन नहीं निकालूंगा, और वहां से उन्होंने अपना कोर्ट छोड़ दी, कोर्ट वहां से निकल गए कोर्ट में से। एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल। अब उसने कहा कि उसका लक काम में लगा और वहां पर भी क्या हुआ था, एक बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई थी। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, और जो अब्दुल्ला सेठ थे उन्हें वो सजेशन पसंद आया नहीं। तो ही सेड इफ यू मेक द चेंज नाउ इट विल बी मिसअंडरस्टूड। उन्होंने कहा बोला कि अगर आप अपने में चेंज नहीं लाओगे तो आपको क्या होगा, सारी मिसअंडरस्टूड मीन आपको सारी गलत फहमियां होती रहेगी। Those who want to wear the turban of their countries will have a hard time। अगर यहाँ पे आपको दो दूसरे कंट्रीज के आप जो भी टर्बन पहनते हो तो उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही हार्ड टाइम आएगा, मीन्स बोलते हैं ना क्या होगा कि अच्छा समय नहीं आएगा इस तरीके से। मोर ओवर यू लुक द एलिगेंट विद द टर्बन ऑफ द कंट्री, यू विल लुक लाइक अ वेटर इफ यू वेयर एन इंग्लिश कैप। अब उसने कहा कि अगर आप जो टर्बन आपकी कंट्री का अगर पहन के घूमते हो तो आप इस तरीके से रहोगे कि अगर कोई वेटर जो होटल के अंदर कैप पहन के घूमता है ना, इस तरीके से आप रहोगे। दिस वर्ड है वर्डली विजडम, और ये वर्ड्स थे उसे बहुत ही विजडम चुभने लगे। ऑल्सो पेट्रोइज्म एंड टू एंड एक्सटेंस अ लिटिल कन्वर्जेशन टू, और इस तरीके से उनकी थोड़ी जो बहस थी, वो बहस मीन्स जो बातों की बहस होती स्टूडेंट्स, वो आगे चलती है। I wrote a letter to a newspaper about the incidents, the defense of me and the turban। उसने कहा कि जो लेटर उन्होंने लिखा कहाँ पे, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था टर्बन वाला, वो माय टर्बन वाज एक्सटेंसिव डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर। उसकी टर्बन के बारे में बहुत ही बात हुई थी न्यूज़पेपर में। I hit the headlines as, उसके क्या हेडलाइंस थे उसकी, अनवेलकम विजिटर्स, क्या ना हेडलाइंस थे उसकी जो भी न्यूज पेपर में उसने डाला था, अनवेलकम विजिटर्स। एंड विद इन 3 or 4 days विदाउट एनी एफर्ट्स आई गॉट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका, और कोई भी एफर्ट डाले बिना उसे बेटा तीन से चार दिन के अंदर उसे पब्लिसिटी मिल गई थी, लोग उसे जानने लगे बहुत अच्छे से। सम टूक माय साइड्स, सम सर्वल क्रिटिसाइज मी फॉर माय रूडनेस, और सम लोगों ने क्या हुआ उसकी साइड्स ली, बट कुछ लोगों ने क्या लगा कि ये क्रिटिसाइज कि इसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कोई उसके खिलाफ था कोई उसके साथ था स्टूडेंट्स। अब माय टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड, उसकी जो टर्बन थी स्टूडेंट्स वो मैं आपको लास्ट में दिखा देता, देखो आपको ये टर्बन उसके सिर पे देखने मिल रही होगी, वो लास्ट तक सर्वाइव करती रही। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जो मेन स्टोरी जो हमारी इसकी थी एक्सप्लोरिंग पेट्रोइज्म की, और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स आपको क्या दिए गए, मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं जो मीनिंग्स है आपको क्या है, यहाँ पे घर पे मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ एक्टिविटी नंबर 3 जो आपको घर से करनी है, और ये जो कुछ क्वेश्चंस है आंसर द फॉलोइंग वो भी आपको घर से लिखने है। ओके, और यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है स्टूडेंट्स तो कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे टिक करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 6, और यहाँ पे हमारा जो थियोरिकल जो सब्जेक्ट था एक्सप्लोरिंग पेट्रोइज्म इंग्लिश 1 का, वो यहाँ पे सिलेबस भी हमारा फिनिश होता है, ये हमारा लास्ट चैप्टर था एक्सप्लोरिंग पेट्रोइज्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।